वेलकम 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 माय यूट्यूब चैनल, फिर से स्वागत है मेरे एक और यूट्यूब चैनल वीडियो पर। और आज का तो दोस्त, आज की वीडियो आपके फेवरेट टॉपिक पर, जहाँ पर मैं करने वाला हूँ ज्ञान का भंडार। और हमने ज्ञान लिया ठटकुल्ला वाले बाबा से, ठटकुल्ला वाले बाबा को आप नहीं जानते हो तो जान जाओगे अगली वीडियो में। बहुत जल्द ठटकुल्ला वाले बाबा की भी वीडियो आने वाली है, बड़ी अच्छी वीडियो है। केवल मात्र 6 मिनट में करने वाला आज ज्ञान का भंडार। तो पहले ज्ञान चंद्र पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे आज, तो सीधा सेटअप पर ही चलते हैं हम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, ज्ञान के भंडार की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक यही है कि हम चार्जर को कैसे काटें। क्योंकि दोस्तों बहुत जनों का कमेंट आता है कि हमारे बाप दादा की उम्र लिखने की, लेकिन हमको चार्जर काटने नहीं आती। तो आज हम सिखाएंगे चार्जर कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले हमको हाथ को ऐसे लेना पड़ेगा, जो ये हाथ है ऐसे लेना पड़ेगा। तो ये जो अंगूठा है ना, आपको ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा चार्जर काटने के लिए। और ये हाथ है ना, ये बाकी की जो ऊपर की जो उंगलियां ना, उसको धीरे धीरे हम खोलेंगे और ऐसा कुछ सी टाइप में मांडेंगे। ये देखो दोस्तों, सी लग रहा है आपको, ये सी टाइप में मांडेंगे। और दोस्तों जो चार्जर का जो उंगली और अंगूठा दोनों ऐसे फिट करेंगे, और दोस्तों बिल्कुल हिला हिला कर और ऐसे लिखा देंगे। अभी बोर्ड पर लिखा जाता, लेकिन ऐसे लिखा देंगे। तो दोस्तों ये कैसी ट्रिक लगी आपको? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो दोस्तों ये तो हो गई मजाक वाली बात, अब थोड़ा सीरियस पॉइंट पर आ जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं ज्ञान के सागर की, हकीकत में आज ज्ञान वाली बात करेंगे। क्योंकि हमारे देश में कई बदलाव हुए अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर। कुछ हमारी महंगाई ठेठ आसमान भी छुई है तो कम भी हुई, लेकिन जब महंगाई बढ़ी उसके अंदर हमारे रिचार्ज भी बहुत महंगे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क आ गया था हमारे रिचार्ज के अंदर। लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा रिचार्ज कैसे सस्ता करना है। क्योंकि हम मैं 99 के अंदर 3 महीने रिचार्ज चलवा रहा हूँ और आपको भी चला कर बताऊँगा, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रिक है। तो चलते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ जाएंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, और सबसे पहले हम खोलेंगे हमारा क्रोम ब्राउज़र। और क्रोम ब्राउज़र खुलते हमको सबसे पहले सर्च करना है रिचार्ज। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं लड्डू तो फूटे होंगे, रिचार्ज सस्ता चाहिए 99 के। तो दोस्तों बहुत जने की कमेंट आती है कि हम कॉपी तो खोल लेते हैं लेकिन हमको पन्ना पलटने नहीं आती है। तो आज हम पन्ना पलटना सिखाएंगे आपको, तो कॉपी के पेज पे चलते हैं। थैंक यू नितेश जी स्टैंड देने के लिए। दोस्तों हम आ गए स्टूडियो पर, और दोस्तों आपकी डिमांड यह है कि आप कॉपी तो खोल लेते हो लेकिन आप पन्ना नहीं पलट सकते हो। तो आप क्या करते हो, थूक लगाते हो, ऐसे थूक लगाते हो और ऐसे पलटते हो, ये गिली गिली हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये पेज ऐसे पकड़ना है पलटने के लिए, आपको ये पेज ऐसे पकड़ना है और ये पेज पलट गया। ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए दोस्तों इतना सुंदर शब्द लिखा हुआ है, अरुण शर्मा, ये भी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है। देखो ये अरुण शर्मा, ये भी नहीं, आगे देखना कितनी बड़ी लाइन लिखी हुई है। ओ नहीं नहीं नहीं, गलत लिखी गई। इतना चुभने लगा हूँ सबको, यूट्यूब देखना पड़ेगा, यूट्यूब कहाँ है। ये देखिए दोस्तों ये यूट्यूब है, बिना नेट के यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाकर बताऊंगा। और इंस्टाग्राम पे देखता हूँ मैं, ये इंस्टाग्राम है, ये दरअसल मेरे पापा का फ़ोन है तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ है, ये इंस्टाग्राम है। तो मैं नेट बंद करके ये दोनों ऐप चला कर बताऊँगा आपको। तो देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने कर दिया नेट बंद, फिर आप कहोगे नेट बंद नहीं किया। तो ये मैंने कर दिया नेट बंद, तो बताइए पहले इंस्टाग्राम चलाऊँ या यूट्यूब चलाऊँ? चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले इंस्टाग्राम चला कर बताऊँगा क्योंकि ये मेरे सामने। तो दोस्तों वो घड़ी आ गई जो मैं बिना नेट के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाऊंगा। तो पहले मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ही है उंगली। तो दोस्तों वो वक्त आ गया जो मैं बिना नेट के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाऊंगा। तो दोस्तों वो वक्त आ गया, जहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाऊंगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये उंगली है इससे चलेगा। तो आपने देखा होगा मैंने नेट बंद कर दिया, अभी भी देख लीजिए नेट बंद है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे पकड़ना है और ये चला दोस्तों। बताइए कहाँ ले जाना चाहेंगे, भगत चौराया,
मील कॉलोनी सेम यूट्यूब के अंदर भी सेम का सेम ऐसा ही है वही सारे सेम प्रोसेस यूट्यूब के अंदर भी ऐसा ही है। यूट्यूब को पकड़ा वो देखिए चला यूट्यूब चला तो दोस्तों ये चलता है बिना नेट से। कैसी लगी हमारी ये ट्रिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत नॉलेज वाली ट्रिक है कि करना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं क्या सोचता हूँ आप क्या सोचते हो, तीसरा क्या सोचता है, चौथा क्या सोचता है, पांचवा क्या सोचता है, छठा क्या सोचता है, सातवां क्या सोचता है, आठवां क्या सोचता है, दसवां क्या सोचता है, ग्यारह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मैं ये बोलूं कि सब एक जैसे सोचते तो फिर चल झूठा। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा मैं गलत फहमी में जी रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सही साबित कर सकता हूँ। बहुत जन मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरी वीडियो इंडिया में देखते हैं और पाकिस्तान में देखते हैं और नेपाल में देखते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा मैं साइड के अंदर। 2-3% मेरे पाकिस्तान देखते हैं, 3-4% नेपाल पंजाब ऐसे करके मेरे कम से कम 12% लोग बाहर की कंट्री के देखते हैं। लेकिन क्या होगा उनकी सोच और हमारी सोच एक जैसी हो जाए मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, यानी जो मैं सोच रहा हूँ जो आप भी सोच सकते हैं। जैसे आपने आप कोई कलर सोचो मैं भी कलर सोचूंगा एक जैसे आएगा, जैसे आप कोई नंबर सोचो मैं भी नंबर सोचूँ तो एक जैसे आएगा, जैसे कोई 1 से लेकर 20 तक जो नंबर आप सोचोगे एक जैसे ही आएगा आपको और मेरा, तो ऐसा आपको समझनी पड़ेगा। तो चलते हैं हमारे वापस स्टूडियो में, अब मैं और हम सभी एक जैसे सोचते हैं एक ट्रिक की वजह से, और इसमें भारत वाले पाकिस्तान वाले नेपाल सब एक जैसे सोचते हैं। कैसे, जैसे कोई 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आप कोई भी नंबर सोच लो, सोच लिया होगा। ये नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा और ये नंबर भारत वाले अलग सोच रहे होंगे, पाकिस्तान वाले अलग सोच रहे हैं, नेपाल वाले अलग सोच रहे होंगे, आप अलग सोच रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया है 20 तक नंबर। लेकिन मैं अब जो नंबर दूंगा आप सब एक जैसे सोचेंगे, मैं आप सब एक ही नंबर आएगा सबका। बताऊँ कैसे, आप 1 से लेकर 20 तक वाले नंबर भूल जाओ, मैं बताता हूँ जो नंबर याद रखो। आप 8 से लेकर 10 के बीच में नंबर सोचो फटाफट, 5 सेकेंड देता हूँ मैं आपको, 8 से लेकर 10 के बीच में नंबर सोचो, 1, 2, 3, 4, 5। आप सबने 9 नंबर सोचा है 8 से लेकर 10 के बीच में, क्योंकि 8 आप सोच नहीं सकते, 9 आप सोच नहीं सकते, इसके बीच में 9 ही नंबर है, तो आपने 9 नंबर सोचा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों आपको समझ नहीं पड़ा होगा, एक हमारे साथ ट्रिक नहीं पूरा ट्रक आया है समझाने के लिए। मम्मी ये कितना नंबर है? 1। और एक कितना नंबर है? 22। सच करो 22 है, सोच ले सोच ले नंबर 20 आ गया अपने औकात में, हिंदी में आ गया तो पहली वन की बोली ना लाइन पे। अब तो 1 से लेकर 20 तक कई भी नंबर सोच ले। सोच लिया ठीक है, ये नंबर मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैंने पता है ये नंबर गलत लिखन जाए। अगर तू 8 सोची बोला नहीं सोची तो बता दे मतलब। हाँ तो बतावे नहीं, अब बतावे नहीं, तो बता मैं बता नहीं, 8 नहीं तो 17 सोचनी, अब की बार जो तू सोचनी वो मैं बता दे ठीक है। तना बेनी 15 से लेकर 17 के बीच में सोच लो नंबर, 15 से लेकर 20 में, 15 नहीं सोच सके तो 17 नहीं सोच सके ठीक है। अरे बच्चे बच्चे वो ये तो करते हैं वीडियो को एंड यहीं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा। जब तक आप करें लाइक कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूब ब्लॉगर को। जय श्री राम।